दोस्तों नमस्कार, आर्यम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूँ आज मैं यूपी टेट का एक प्रैक्टिस सेट लेकर। पिछली वीडियो में हम आप लोगों को 2018 के यूपी टेट के प्रश्न पत्र को के बारे में बताया था, कैसे उसको हल करना है, हल करने की ट्रिक बताया था और आगे कैसे तैयारी करना है। तो आज आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, इसको हल करिए, आप चेक करिए आपका कितना स्कोर आता है। और इसको मैं बता भी रहा हूँ कैसे हल करना है, और ताकि अच्छे प्रैक्टिस हो जाए, इसी प्रारूप प्रश्नों के प्रारूप से अच्छे ढंग से परिचित रहें। और इसी तरह के प्रश्न जो भी आएंगे और भी आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को साथ साथ लाइक करते और रहिए और शेयर भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं समय को नष्ट न करते हुए। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, देयर इज ए रो ऑफ ग्रीन ट्रीज डैश डैश करके द रोड, बीच में आपको भरना है, चार प्रीपोजिशन दिए हैं, इसमें से एक करेक्ट भरना है। तो इलांग इसमें भरा जाएगा, कैसे? देयर इज ए रो, एक लाइन है, ऑफ ग्रीन ट्रीज, हरे पेड़ों की एक लाइन है, कहाँ है? एलॉन्ग द रोड, सड़क पर है। दोस्तों यहाँ सड़क के किनारे किनारे, या एलॉन्ग का अर्थ होता है किनारे किनारे या साथ साथ, या पर, तीन अर्थ होते हैं। तो यहाँ सड़क पर की अंग्रेजी एलॉन्ग होता है, क्योंकि सड़क के किनारे किनारे ही हरे पेड़ लगाए जाते हैं, सेंस किनारे किनारे रहता है, इसलिए पर की अंग्रेजी सड़क के साथ एलॉन्ग का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें एलॉन्ग सही रहेगा, क्योंकि बिसाइड्स हो नहीं सकता है, बिसाइड में पास होता है, अमंग माने बीच में, बाय माने भी पास होता है, लेकिन सड़क के किनारे या सड़क पर, तो यहाँ एलांग सही ऑप्शन है। कहीं भी सड़क पर दौड़ रहा था, सड़क के किनारे पेड़ हैं, सड़क पर जा रहा, एलांग का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, द वीदर वॉज बैड, दे हैड टू गो फॉर वर्क, बीच में भरना है। तो इसमें वीदर वाज बैड, मौसम बुरा था, दे हैड टू गो फॉर वर्क, उन्हें काम के लिए जाना पड़ा, हैड टू मीन्स पड़ा, मजबूरी बताता है, तो बात का विरोध है, बुरा मौसम है फिर भी उन्हें जाना पड़ा, तो इसका कंजक्शन इसमें सही भरना है, एज दो दो सेंस, तो यद्यपि का सेंस आ रहा है, तो यद्यपि के लिए इस आल दो का प्रयोग होता है, यद्यपि आल दो, द वीदर वाज बैड, दे हैड टू गो फॉर वर्क, आल दो इसमें सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही फेल्ड ड्यू टू हिज एटीट्यूड, वह फेल हो गया, एटीट्यूड माने दृष्टिकोण या व्यवहार, अपने के कारण फेल हो गया, किसके कारण? लापरवाही के दृष्टिकोण के कारण फेल हो गया, तो केयरलेस इसमें सही ऑप्शन होगा, मोर केयरलेस हो नहीं सकता, मोस्ट केयरलेस, क्योंकि कंपेरेटिव सुपरलेटिव की भावना नहीं है, तो इसमें केयरलेस बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द डॉग पिक्ड अप द डैश डैश ऑफ द थीफ, तो सेंट, तीन सेंट दिए हैं ये दोनों, सेंट मतलब कुत्ते ने पिक्ड अप उठा लिया, चोर के क्या उठा लिया, सेंट को उठा लिया, क्योंकि परफ्यूम खुशबू होती है, तो सेंट जो है वो तो बताया जा रहा है उस एक महक, ये सेंट भेजना हो नहीं सकता है, ये सेंट की स्पेलिंग गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। मीनिंग ऑफ द स्टीप इज, स्टीप का अर्थ है, स्टीप का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसमें स्टेप ऑफ स्टेयर केस, चर्च टावर आर स्पायर, तो स्टीप का अर्थ होता है ढलान, जैसे कोई चर्च की टावर है, ऊपर का भाग है, स्पायर मतलब मीनार या शिखर होता है, तो यह ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा, अलग हो नहीं सकता, तीसरा भी चौथा भी नहीं चाहिए। एल एस आर डब्ल्यू स्टैंड फॉर, तो बहुत पूछा जा रहा है, एल एस आर डब्ल्यू किसका प्रतीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो टीचिंग मेथड में किसके लिए आता है, तो इसमें लिसनिंग पहला है, लिसनिंग स्पेशलाइजिंग रोट मेमोराइजेशन एंड राइटिंग सही नहीं है, तो
दूसरा आए अर्निंग, स्पीकिंग, राइट, थिंकिंग एंड राइटिंग, ये भी सही है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये ऑप्शन सही है। यल मीन्स लिसनिंग, यस स्टैंड फॉर स्पीकिंग, आर मीन्स राइटिंग, डब्लू आर मीन्स सॉरी रीडिंग, डब्लू राइटिंग, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एडवोकेट्स, समर्थकों के अनुसार, ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच, संरचनात्मक प्रविधि के समर्थकों के अनुसार, टू इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के द मटेरियल, सामग्री के लिए, शुड बी ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर ग्रेड देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल के संरचनात्मक प्रविधि के समर्थकों के अनुसार ग्रेड जो है किसके आधार पर देना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, सी इसमें सही होगा, लर्नर्स पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब काबिलियत, क्षमता, तो लर्नर्स स्टूडेंट सीखने वाला की क्षमता के अनुसार देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाइल स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार बोलते समय, द स्टूडेंट्स जनरली फेस, विद्यार्थी सामान्यतया क्या फेस करते हैं, क्या किस चीज़ का सामना करना पड़ता है विद्यार्थियों को पहली बार बोलते समय, तो इसमें इनहिबिशन, संकोच सही ऑप्शन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, द पर्पज ऑफ टीचिंग, इनहिबिशन मीन संकोच, बच्चे संकोच का सामना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ टीचिंग ए पोएट्री, पोएट्री को पढ़ाने का उद्देश्य, टेक्स्ट टेक्स्ट मतलब पाठ्यपुस्तक, पोएट्री पाठ्यपुस्तक को पढ़ाने का उद्देश्य, इज मोर ऑन, अधिकतर होता है ऑन मनी पर, किस पर होता है, तो पहला ऑप्शन है इन्जॉयमेंट एंड डेवलपमेंट लिटरेरी सेंसिबिलिटी, इनरिचमेंट ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामेटिकल अवेयरनेस, तो फार्मलाइजेशन ऑफ साउंड, तो साउंड के फेमिलियराइजेशन, फेमिलियराइजेशन मतलब परिचय, परिचित होना, आवाज़ से परिचित होने के लिए, तो टीचिंग पोएट्री के पाठ्यपुस्तक को पढ़ाने का उद्देश्य होता है, क्योंकि पोएट्री में साउंड होती है, राम स्कीम होती है, तो उससे परिचित होने के लिए, फेमिलियराइजेशन, फेमिलियराइजेशन मतलब परिचित, ये ऑप्शन सही है। स्टोरी टेलिंग इज एन, कहानी बताना या सुनाना है, एक कहानी सुनाना क्या है, मेथड, स्ट्रेटजी, टेक्निक, अप्रोच, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें टेक्निक सही होगा, तकनीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स मार्क्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ हैव स्पेलिंग एरर, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड एंड फोर्थ में किस लाइन में स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग की गलती है, तो देख लेते हैं। पहली लाइन देखते हैं, ए स्टोनी कोरल, एक पत्थर युक्त मूगा, इज ए टाइनी सॉफ्ट बॉडीड क्रीचर, दोस्तों यहाँ क्रीचर में स्पेलिंग मिस्टेक मिला है, दैट लिव्स बाई ईटिंग स्मॉल क्रीचर्स, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट फ्लोट बाई, तो इस कहानी मतलब पहले में गलती है, और भी देख लेते हैं, ईच कोरल यूज मिनरल्स फ्राम द वाटर, इसमें सबसे स्पेलिंग सही है। तीसरा, विथ दिस वाटर इट मेक्स ए हार्ड प्रोटेक्टिव स्केल्टन अराउंड इट सेल्फ, स्केल्टन की भी दोस्तों स्पेलिंग गलत है, क्योंकि यस के ई एल ई टी ओ एन होता है, यस के ई एल ई टी ओ एन होता है, तो एल के बाद ई नहीं लिखा गया, भी स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें भी। अगला क्वेश्चन, अगला देख लेते हैं ऑप्शन, न्यू कोरल्स बिल्ड, दोस्तों बिल्ड की स्पेलिंग मिस्टेक है, बी यू आई एल डी होता है, देयर स्केल्टन्स ऑन टॉप ऑफ द रोल, तो देख रहे हैं कि पहला तीसरा चौथा तीनों में मिस्टेक है, अब ऑप्शन देख लीजिए, पहला तीसरा चौथा किसमें है, वही इसका आंसर होगा, तो हम देख रहे हैं लाइन्स फर्स्ट सेकेंड हो नहीं सकता, सेकेंड थर्ड हो नहीं सकता, तीसरा हम फर्स्ट लाइन, यहाँ फर्स्ट लाइन है, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट लाइन थर्ड एंड फोर्थ, तो लाइन नंबर फर्स्ट है, थर्ड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है, विच सेट ऑफ वर्ड्स इज अरेंज्ड इन करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कौन सा सेट, समूह, वर्ड, शब्दों का कौन सा समूह इज अरेंज्ड, व्यवस्थित किया गया इन करेक्ट
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सही ढंग से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा क्रम क्या है, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से, वर्णमाला के हिसाब से कौन सा सही क्रम में है, कौन सा समूह, तो देख लेते हैं। पहला अविश, आदित्य, अलीसा, अनीता, अशोक, इसमें बी के बाद डी, ये तो सब में है दोस्तों, ये तो कॉमन हो जाएगा। इसके बाद आपको ध्यान देना है तो बी, बी के बाद डी, एल, एन, यस, ये एकदम अल्फ़ाबेटिकली है क्योंकि बी के बाद सी आता है, फिर डी आता है, उसके बाद ही एल आता है, एन उसके बाद ही आता है, यस सही लग रहा है। आगे देखते हैं तो यहाँ बी में यस के बाद डी आया, तो पहले डी आता तब यस, ये क्रम गलती है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें डी के बाद एल आया है, एल के बाद एन आया, एन के बाद बी आता नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, बी के बाद एल आया है, डी आया एल के बाद डी, ये भी ऑप्शन गलत है, तो पहला ऑप्शन आपका ए वाला सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है इज अपोजिट ऑफ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का अपोजिट है तो आस्क, स्कोल्ड, स्पीक, ऑर्डर। आस्क मीन्स पूछना, स्कोल्ड मीन्स डांटना, स्पीक माने बोलना होता है, तो ऑर्डर मीन्स आदेश देना, प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ आदेश हो रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन विच पेयर बिलो, नीचे का कौन सा जोड़ा कंटेंस राइमिंग वर्ड्स में, राइमिंग वर्ड्स कंटेंस मीन्स रखना या समाहित होना है, नीचे के किस जोड़े में राइमिंग वर्ड्स हैं, समान ध्वनि वाले शब्द हैं जो पढ़ने में दोस्तों लास्ट में आते हैं लाइन के और समान ध्वनि निकालें, ये लगातार लाइन में भी हो सकते हैं, एक लाइन छोड़कर भी हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं राइमिंग स्कीम। तो देख लेते हैं फ्रूट शर्ट कम राइम कर रहा है, देयर एप्पल अपील ये भी नहीं कर रहा है, अपीयर देयर अपीयर उतना अच्छा नहीं है, थ्रो डू, फ्रूट सूट, दोस्तों इसमें फ्रूट और सूट सबसे सटीक राइम स्कीम निकाला, फ्रूट सूट, ऊट ऊट दोनों मारे हैं, फ्रूट सूट समान ध्वनि निकाल रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विच वर्ड गोज टुगेदर विथ स्विमिंग टू फ्रॉम ए न्यू वर्ड, अगला प्रश्न है कि विच वर्ड गोज टुगेदर, कौन सा शब्द जाता है टुगेदर साथ साथ विथ, टुगेदर विथ साथ साथ जाता है, या एक स्विमिंग तैरने के, टू फ्रॉम ए न्यू वर्ड, टू के लिए फ्रॉम ए न्यू वर्ड एक नए शब्द से, तैरने से रिलेटेड इसके साथ जो है कौन सा शब्द जाता है, कौन सा लगता है जो इसमें तैरने के लिए लगा है, सूट हो नहीं सकता है तैरने के लिए, और क्लोथ हो नहीं सकता है, कपड़ा होता है, रोप पोशाक ये भी नहीं हो सकता, तो पूल इसमें लास्ट में पी डबल ओ एल, दोस्तों इसमें पी डबल ओ एल है, पूल में से होता है तालाब, तो तालाब में ही तैरा जाता है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इज प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग इंग्लिश, इज है प्री रिक्विसाइट पूर्वापेक्षित, प्री रिक्विसाइट मीन्स क्या होता है, पूर्वापेक्षित, लर्निंग इंग्लिश इंग्लिश सीखने में पूर्वापेक्षित है, क्या पूर्वापेक्षित है, पहले से किसकी अपेक्षा किया जाता है इंग्लिश सीखने में, तो पहला ऑप्शन है मोटिवेशन, जन नॉलेज ऑफ ग्रामर, क्रैमिंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, रीडिंग स्टोरीज, तो दोस्तों इसमें मोटिवेशन है पूर्वापेक्षित, लर्निंग लर्निंग इंग्लिश के लिए पूर्वापेक्षित कहा गया है, अभिप्रेरणा को, मोटिवेशन को, नॉलेज ऑफ ग्रामर ग्रामर का ज्ञान, क्रैमिंग मीन्स रटना शब्दों को रटना उनका मीनिंग, रीडिंग स्टोरीज स्टोरीज पढ़ना, ये सब नहीं माने जाते, मोटिवेशन इसमें इसका सही आंसर होगा। इंग्लिश इन इंडिया, क्योंकि मोटिवेशन रहेगा तब कोई भाषा सीखने के लिए आदमी मोटिवेट होता है, तभी उसको उससे यही अपेक्षा की जाती है सीखने की, तभी सीखने की इच्छा हो सकती है, तो लर्निंग इंग्लिश प्री रिक्विसाइट पूर्वापेक्षित होता है, इसमें मोटिवेशन होगा। इंग्लिश इन इंडिया, इंडिया में इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है यूज्ड जिसका प्रयोग होता है, किस लिए होता है, फार वाइडर कम्युनिकेशन, अधिक विस्तृत संचार के लिए होता है, आदान प्रदान के लिए, फार प्रेस्टिंग प्रेस्टिज सिंबल, प्रेस्टिज प्रतिष्ठा, सिंबल्स प्रतीक, प्रतीक की प्रतिष्ठा के लिए होता है, ये भी सही है, फार पहला भी सही है, वाइडर कम्युनिकेशन के लिए हो ही रहा है लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का, प्रेस्टीज सिंबल प्रतिष्ठा का प्रतीक के लिए प्रतीक है, ये भी सही है कि समाज में अच्छी प्रतिष्ठा होती है इंग्लिश से, फार एक्सेसिंग टू क्वालिफाइंग क्वालिटी ऑफ लिटरेचर, साहित्य के गुणों का एक्सेस, मतलब
पहुंचाना, साहित्य के गुणों को पहुंचाया जा रहा है इस इंग्लिश भाषा के द्वारा, ये भी सही है। तो इसमें दोस्तों ऑल ऑफ द एबव ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट यूजफुल व्हेन क्लास इज, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट यूजफुल, उपयोगी नहीं होता व्हेन द क्लास इज, जब क्लास होता है। कब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूजफुल नहीं होता है? पहला ऑप्शन है हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, ओवर क्राउडेड, फुल ऑफ, मेडियोकर स्टूडेंट्स। मेडियोकर मन निम्न श्रेणी के विद्यार्थियों के से भरा हुआ, ओवर क्राउडेड अधिक भीड़ से भाड़ से भरा हुआ। होमोजीनियस, होमोजीनियस सजातीय होता है, हेट्रोजीनियस विजातीय। दोस्तों इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट यूजफुल, इसका उपयोगी नहीं होता जब वर व्हेन द क्लास इज, जब क्लास में होते हैं। हेट्रोजीनियस विजातीय, विजातीय मतलब अब सब लोग एक ही भाषा नहीं, अलग अलग हैं, तो विजातीय हैं। सजातीय मतलब समान, एक ही लैंग्वेज है तो ट्रांसलेट किया जा सकता है। पता लगे किसी को इंग्लिश के साथ हिंदी नहीं आ रहा है, किसी को उर्दू आ रहा है, तो कोई भी दो भाषाएं अगर समान नहीं है तो विजातीय रहेगा, तो ट्रांसलेशन मेथड जो है उपयोगी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर की समस्या ऑफ द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की कैन बी इजली सॉल्व थ्रू, आसानी से हल की जा सकती है, थ्रू किससे हल की जा सकती है? तो पहला है टीचिंग एड, टेक्स्ट बुक्स, डिक्शनरी, डिक्टेशन। दोस्तों टीचिंग एड पढ़ाने की एड सामग्री द्वारा, टेक्स्ट पाठ्य पुस्तक द्वारा, डिक्शनरी द्वारा, डिक्टेशन, डिक्टेशन माने तो श्रुत लेख जिसको इमला बोलकर लिखवाना कहते हैं, तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू बिहेवियर, क्योंकि इमला बोलकर लिखवाने से इसमें क्या होता है, स्पेलिंग एरर को दूर किया जा सकता है। बोलकर लिखवाया जाएगा, बच्चों को बताया जाएगा कि स्पेलिंग, तो उससे उनकी दूर हो जाएगी स्पेलिंग एरर। अगला क्वेश्चन है टू बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी के लिए लर्निंग इज बेस्ड ऑन, सीखना आधारित होता किस पर आधारित होता है? व्यवहारवादी के लिए सीखना किस पर आधारित होता है? पहला क्वेश्चन है इंटर एक्शन, पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन नंबर एक पारस्परिक क्रिया, स्टिमुलेशन एंड रिस्पॉन्स, उत्तेजना और प्रत्युत्तर, कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्कशन। तो ऑप्शन नंबर एक इसमें सही हो जाएगा, इंटरैक्शन, इंटरैक्शन पर आधारित होता है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर से देख लेते हैं। बिहेवियरिस्ट लर्निंग इज बेस्ड ऑन, व्यवहारवादी सीखना बेस्ड ऑन आधारित होता है। पहला है इंटरैक्शन, परस्पर क्रिया पर आधारित होता है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, कोडिंग, ट्यूटोरिंग, डिस्कशन। तो जिसमें इंटरैक्शन सही ऑप्शन है।